और रुक करते एक और बड़ी खबर का, किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। टिकरी बॉर्डर पर मजबूत की गई कंक्रीट स्लैब। बता दें आपको गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जुटे किसान। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, बॉर्डर के आसपास इंटेलिजेंस यूनिट भी एक्टिव है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पूरी तरह से सील बताए जा रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के कुछ इलाकों में धारा 144 लागू है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, शंभू टिकरी और सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोका है। शंभू बॉर्डर पर लगाए गए लाउडस्पीकर। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप, 6 जगह की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। बॉर्डर को सील किया गया है, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। बता दें आपको, शंभू बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर समेत तमाम ऐसी जगह जहां पर किसानों ने दिल्ली के लिए कूच करने का ऐलान किया था, उसको सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से पुलिस की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं ताकि दिल्ली पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन इस वक्त लगातार झड़प की खबरें भी सामने देखी गई हैं। बता दें आपको, नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा की खबर सामने आई है। शंभू, खिरौनी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है और चंडीगढ़ हरियाणा बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं। बता दें आपको, हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद की जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त ही बता दें आपको। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर किसानों की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंदोलन की तस्वीरें हैं ये, और जिसमें शंभू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, बता दें आपको खनौरी बॉर्डर, ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किसानों के आंदोलन की तस्वीरें हैं। और इस दौरान पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। अराजक तत्वों पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। बता दें आपको, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान आंदोलन की तमाम तस्वीरें, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शंभू बॉर्डर, खनौनी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इन सभी इलाकों को सील किया गया है। कई इलाकों में धारा 144 भी लागू है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और इसी के साथ ही हमारे साथ विक्रम भी जुड़ चुके हैं। इन दोनों से हम क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां पर, नागेंद्र लेकिन सुबह जो लोग ऑफिस जा रहे थे उनको काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो बॉर्डर है वो सील कर दिया है पुलिस ने, दूसरा ये कि रूट डाइवर्जन की वजह से भी काफी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। जो लोग मेरठ या फिर नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं इस रूट से, उन्हें अब आनंद विहार से और फिर वापस घूम कर जाना पड़ रहा है। उसी तरह से जो लोग दिल्ली से मेरठ के लिए जा रहे हैं या गाजियाबाद के लिए जा रहे हैं, उन्हें भी आनंद विहार से घूमकर फिर वापस जाना पड़ता है। लेकिन जो लोग जो फास्ट ट्रैक पर चलते हैं उनके लिए जरूर राहत है, क्योंकि जो फ्लाईओवर है उन पर जो बैरिकेडिंग है वो थोड़ी कम जरूर कर दी है पुलिस ने, लेकिन जो लोकल हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रोड है वहां पर कंक्रीट के जो बैरिकेडिंग है वो तैयार की गई है, फिर उसके बाद पुलिस की जो फोर्स की गाड़ियां होती है वो खड़ी हुई है, तो कई लेयर की जो सिक्योरिटी है ये मान के चला जा रहा है कि किसान जब आए तो वो यहाँ से दिल्ली में एंट्री ना कर पाए, इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम
दिल्ली और यूपी दोनों पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तो कल भी दिन भर जैसे काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था, आज सुबह वैसी ही स्थिति थी, लेकिन फिलहाल यहाँ जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है। उसी तरह से यदि चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए तो क्योंकि सारे रूट डाइवर्जन किया गया है रूट का, उसकी वजह से वहाँ काफी तादाद में जो वाहन है वो पहुंच रहे हैं, तो वहाँ भी ट्रैफिक की समस्या से दो चार लोगों को होना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। विक्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त टिकरी बॉर्डर की, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद है, तो क्या माहौल है वहाँ पर और किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर कल से और आज तक की जो तस्वीरें कुछ बदल गई हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर पैरा मिलिट्री फोर्स है, इससे आगे जो एसटीएन लेयर की जो है वो व्यवस्था की गई, तीन लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आगे भी आगे देख सकते हैं कि आगे एक बैरिकेडिंग है, उसके पीछे फिर एक बैरिकेडिंग है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ये पैरामेडिक फोर्स के जवान तैनात हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि टेंट्स, छत पर टेंट्स भी लगाए गए हैं जहां पर वहां से निगरानी की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था जो पुलिस ने की हुई है ताकि किसान आंदोलनकारी यहाँ प्रवेश ना कर सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने जो कटीले जो तार है वो लगाए गए, कॉन्क्रीट के मोटे यहाँ पर जी ये देख सकते हुए आप देखिए कॉन्क्रीट के मोटे मोटे जो ब्लॉक्स है वो लगाए गए हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए कटीले तार हैं जिन कटीले तारों को आप देख रहे हैं ताकि कोई भी आंदोलनकारी इनको पार करके दिल्ली में प्रवेश ना करवाए। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ की तस्वीर कि पुलिस ने कितने चाक चौबंद व्यवस्था के पूरे दिल्ली के बॉर्डर को जी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विक्रम, ये जो यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, यहाँ पर जो ये लोग नजर आ रहे हैं ये कौन लोग हैं? क्या ये दफ्तर जाने वाले थे जो नहीं जा पाए, या फिर ये आसपास के लोग हैं? इनसे एक बार बातचीत करिए। ये आसपास के बहादुर इंडस्ट्री एरिया है जहाँ पर ये मजदूर जो काम करने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया था। ये वो लोग हैं, हालांकि जो बहादुरगढ़ से आने वाले कुछ लोग जो मेट्रो स्टेशन खुला हुआ है वो लोग मेट्रो के जरिए आ जा सकते हैं। जी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे ये काम चल रहा है, पूरा बंकर बनाए जा रहे हैं, आगे ये ट्रक हैं जी, ये ट्रक भी खड़े कर दिए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी यहाँ प्रवेश ना कर पाए। जी, पुलिस का अब प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही किसान भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वो दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो किस तरह से क्या और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं किसानों को रोकने के लिए? रोकने के तो पूरे इंतजाम पुलिस ने बंदोबस्त पूरे किए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बंकर्स बनाए गए हैं जी, और पूरे ट्रक लगा दिए गए तक किसान आंदोलनकारी किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए, लेकिन इसी के वजह से जो आम लोगों को परेशानी हो रही है वो भी लोग परेशान है, क्योंकि किसान आंदोलन के पिछले बार जब कई महीनों तक किसान यहाँ पर आंदोलन बैठे थे तो यहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवसाय वो ठप पड़ गया था, जिसके कारण लोग परेशान थे। वही डर दोबारा यहाँ के लोगों में है कि अगर आंदोलनकारी यहाँ दोबारा बैठे तो कितने वक्त तक बैठेंगे और उनका रोजगार दोबारा से ठप पड़ जाएगा। ठीक है, नागेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, अभी आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, और जिस तरह से आंदोलन अभी ऐसी तस्वीरों को देखकर लग नहीं रहा है कि सब शांत होने वाला है, तो ये लंबा समय तक चलने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है किसानों की ओर से और प्रशासन की ओर से? देखिए नेहा, गाजीपुर बॉर्डर की यदि बात करें तो यहाँ किसान नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी जो आंदोलन की कॉल है या दिल्ली चलो की कॉल जो थी वो पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरफ से की गई थी। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो एक तो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहां पर सबसे ज्यादा जो टकराव है वो किसान और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के बीच में देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर पुलिस और जो किसान है उनके बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो
किसान हैं जो उत्तर प्रदेश से आएंगे और नोएडा के आसपास के जो शहर हैं या गांव है वहां से जो आएंगे उनको उनकी तरफ से 16 फरवरी के लिए कॉल की गई है। 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले भी जो किसान संगठन है वो आने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां पहले से ही पुलिस की तरफ से कर ली गई है। यहाँ भी जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सील कर दिए गए हैं, जो कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं वो लगाए गए हैं और उसके बाद फिर सीमेंट और कंक्रीट से वो पूरा तैयार किया गया है। जो कटीले तार हैं वो भी ऊपर लगाए गए हैं। तो ये तैयारियां हैं अभी 16 फरवरी की। और आप देखिए कि जो किसान है यहाँ उत्तर प्रदेश के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से जो किसान आने वाले हैं वो हर गांव में गांव-गांव जाकर आह्वान कर रहे हैं कि किसान इस आंदोलन का साथ दे, जिससे कि क्योंकि ये सभी के लिए लड़ा जा रहा है। तो जो किसान ठीक है वो गांवों में जाकर। हमारे साथ प्रवीण मिश्रा भी जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। प्रवीण, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? प्रवीण, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, नागेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, देखा जा रहा है कि किस तरह से भीड़ एक लंबी बड़ी भीड़ नजर आ रही है। 16 तारीख को भी किसान आने वाले हैं, तो इस तरह से तमाम अराजक तत्व भी एक्टिव हो जाते हैं, उसको लेकर प्रशासन की ओर से किस तरह से उन्हें चिन्हित किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, जो मंत्री हैं अनिल विज उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि किसान यदि शांति से आए तो उसका स्वागत है। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है किसान ट्रैक्टर्स पर आ रहे हैं, किसान जो डोमेस्टिक हथियार हैं उनको लेकर आ रहे हैं, चाहे लाठी डंडे हो, तलवार हो और फरसानुमा भी कई किसानों के पास देखे गए हैं। तो अब सरकार का प्रशासन का यही कहना है कि इस तरह से कैसे बातचीत हो सकती है, और खुद सरकार इसमें गंभीर है। सरकार के 3-3 मंत्री खुद दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ गए थे और वहां किसान नेताओं से बात की थी। हालांकि 2 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा उसके नहीं निकला था, लेकिन उसके बाद से भी सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मंत्री की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, संबंधित मंत्रियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हर संभव प्रयास वो किसानों को समझाने के कर रहे हैं। और जो मांग है कई सरकार की तरफ से मांग भी ली गई है और उसमें कहा गया है कि कमेटी बनाकर इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि इस तरह की कमेटी जब 2020-21 का जो आंदोलन था उसको खत्म किया गया था, उस वक्त भी सरकार की तरफ से कहा गया था। तो अब किसानों का ये कहना है कि MSP गारंटी कानून जो है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, जिससे कि किसानों की जो समस्याएं हैं कुछ हद तक ठीक है। नागेंद्र, मांगे अपनी तरफ है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पहले जब आंदोलन हुआ था तो देखा गया था किस तरह से लाल किले पर जाकर तमाम तरह के अराजक तत्वों ने जो हरकतें की थी, तो इसको लेकर जो भी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वो सामने आकर नहीं किसी तरह का ऐलान करते हैं कि इस तरह से हिंसा ना की जाए, या फिर भीड़ में अगर कोई भी घटना अपने घट जाती है तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? लेकिन यहाँ इससे पहले भी जब जो पहला आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर और दिल्ली क्या पूरा पंजाब तक के जो बॉर्डर थे वो सील कर दिए गए थे, सड़कों पर किसान 13 महीने तक बैठा रहा था, उस वक्त भी 26 जनवरी पर हमने देखा था कि किस तरह का आतंक दिल्ली के अंदर हुआ था। चाहे लाल किले की बात करें, ITO की बात करें, जो तमाम क्षेत्र थे दिल्ली के वहां पर किसान ट्रैक्टरों के साथ दिखाई दिए थे, उस वक्त जरूर प्रशासन की तरफ से ढील दी गई थी और ये कहा गया था कि सरकार किसानों का पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन जिस तरह से किसानों की तरफ से जो
उग्र रूप लिया गया था, उसके बाद से ही आप देखिए एहतियात के तौर पर इस तरह की किलेबंदी दिल्ली बॉर्डर पर की गई है। यहाँ जो बॉर्डर है सारे दिल्ली के वो छावनी में तब्दील कर दिए गए, तो समस्या ठीक है नागेंद्र, आप सभी को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। प्रवीण, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें दिखाइए। और जो ऊपर का ट्रैफिक है अभी फिलहाल के लिए वो थोड़ा बैरिकेटिंग जो है वो खोल दी गई है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, तो जो भारी वाहन भी जो दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रहे हैं, गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं, उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल के लिए जो दिल्ली बॉर्डर के लिए जो दिल्ली एंट्री एंट्रेंस है खासतौर पर, उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, चाहे वो ऊपर वाला फ्लाईओवर हो या फिर उसके बगल वाला फ्लाईओवर। दो रास्ते ऐसे हैं जो खोले गए हैं, एक फास्ट टर्न है, एक उसके बगल में है जो नीचे वाले रोड को डाइवर्जन करता है, जो अन्य रोडों से कनेक्ट होता है। फिलहाल की स्थिति अभी सामान्य चल रही है, जो रोड ट्रैफिक जो डाइवर्जन किए गए हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी जो जारी की गई है उसके आधार पर लोग भारी वाहन जो है वो नीचे से लेकर अलग रास्ते से जो कि आनंद विहार चाहे वो अपना मोहन नगर हो उस जगह पे होते हुए जो भारी वाहन है वो निकाले जा रहे हैं। फिलहाल हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, लेकिन अभी जो स्थिति है गाजीपुर बॉर्डर की वो सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे जो हमने कल की स्थिति देखी है उसके बाद यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ किसान भी पहुंचे थे, लगभग 12-13 किसान की संख्या थी, लेकिन वो किसी अन्य ग्रुप से, बताया जा रहा था कि महात्मा टिकेट के ग्रुप से लोग आए थे, लेकिन उनको जब डिटेन किया गया पुलिस की तरफ से, उन्हें संबंधित थाना कौशाम्बी ले जाया गया और शाम होते होते उन लोगों को वहां से छोड़ भी दिया गया। उनको हिदायत दी गई कि धारा 144 लगी है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर इस तरह से एकजुट होना ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करना है। अगर इस तरह की अगर दोबारा से की जाती है गलती तो उनकी गिरफ्तारी होगी और जो धारा 144 के तहत जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। जी प्रवीण, किसानों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आम लोगों की जद्दोजहद काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनको लेकर पुलिस की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और अभी आने वाले दिनों में क्या कुछ ट्रैफिक नियम रहने वाले हैं? देखिए स्थिति जो है वो 16 तारीख को ही देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार पुलिस के तरफ से भी अपील की जा रही है, चाहे वो चैनल के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यहाँ के जो DCP हैं, यहाँ के जो ACP हैं, जो क्षेत्रीय ACP हैं, उनके तरफ से भी अपील की जा रही है कि अभी फिलहाल के लिए जो जरूरी काम हो तो ही दिल्ली के लिए निकले, क्योंकि लंबा जाम मिल सकता है, अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो लोग घर से भी काम कर सकते हैं, 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है जहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जहाँ पर ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन वहां से जो रास्ते का एक आवान आने जाने का जो रास्ता बनाया गया है वहां पर भारी संख्या में जो ट्रैफिक है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है NH-24 है, NH-9 है, जहाँ से बड़े वाहन और बड़ी संख्या में जो वाहन जो है दिल्ली से मेरठ के लिए, गाजियाबाद, अन्य जिलों के लिए निकलते हैं। वहीं अगर नोएडा की बात की जाए, चाहे वो DND हो या फिर चिल्ला बॉर्डर हो, वहां पर भी स्थिति काफी बिगड़ी हुई, क्योंकि वहां पर ज्यादा डाइवर्जन है नहीं, जो कि मयूर विहार से होते हुए अशोक नगर होते हुए इस तरह से रूट डाइवर्जन किया गया है। लेकिन स्थिति जो है आने वाले 16 तारीख को ज्यादा गंभीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो कूच करेगा दिल्ली के लिए, और भारत बंद का जो आह्वान किया गया है ये काफी भारी मात्रा में हो सकता है, किसान यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी आए और भारी मात्रा में किसान यहाँ पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। जी तो लगातार देखा जा रहा है कि अभी 16 तारीख का इंतजार है सभी को, उस दिन किस तरह से पुलिस जो है किसानों को आगे बढ़ने से रोकेगी, क्योंकि ऐसे में आंदोलन अपनी जगह और सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार बना हुआ है। प्रवीण देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस का पहले से ही एक रोड मैप तैयार हो गया है कि अगर किसान, क्योंकि पहले जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं दोहराएगी, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, लेकिन जब किसान यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो उनका साफ तौर पर किसानों का भी ये कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर वो दिल्ली जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको जाने की अनुमति दे, प्रशासन उनको जाने की अनुमति दे, लेकिन अगर किसान कहीं उग्र होता है, क्योंकि किसान की आर में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो कि माहौल खराब करते हैं, और खास तौर पर जो LIU की टीम यहाँ पर लगातार मुआयना कर रही है, लगातार LIU की टीम यहाँ पर आ रही है, उनकी भी निगरानी रहेगी,
कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल ना हो जाए जो माहौल खराब करे, और खास तौर पर जो किसान नेता राकेश टिकैत है, चाहे उनकी जितने भी किसान नेता आएंगे उन लोगों का भी एक तरह से निगरानी जरूर रहेगी, क्योंकि पहले भी ये कहा गया था कि हमारे किसान नेता नहीं हो सकते जो ये माहौल खराब करने वाले लोग हैं, ये अन्य लोग हैं। यही स्थिति हमने पहले भी देखी, जो स्थिति बहुत विकराल थी, जिसके बाद जो देखा गया कि लाल किले के अंदर भी भारी संख्या में। बिल्कुल ठीक है, विक्रम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर से। विक्रम, आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, अभी जो है 16 तारीख के संयुक्त जो किसान मोर्चा है वो भी इसमें आने वाले हैं, तो दूसरा किसानों को देखते हुए आंदोलनकारी को देखते हुए पुलिस ने कुछ चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी। टिकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो टिकरी बॉर्डर पर आला अधिकारी यहाँ पर पूरे जो है पूरे बंदोबस्त को देखते हैं, देख रहे हैं। कल भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मौके का जायजा लिया था, उन्होंने भी सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इसको देखते हुए यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि कोई भी आंदोलनकारी या कोई भी प्रदर्शनकारी एक तरफ ना पहुंच पाए और कोई भी उपद्रवी यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए। और फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।